आगे हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा पहला हेडिंग है फाइनाइट सेट। इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत, इस पर जो रिजल्ट बताएंगे उसे नोट करने की जरूरत। मान लिया कोई सेट ए, अब ये फाइनाइट कब होगा इसके लिए दो बात, या तो ये इन्फिनिटी हो, ठीक है, या ये जो सेट है ए इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई सेट फाइनाइट होगा या तो उसमें बता सकें कई एलिमेंट मौजूद हैं, तो कैसे आप बता पाओगे कि किसी सेट में कितने एलिमेंट मौजूद हैं? उसके लिए जो शब्द है वो ये है, इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल। तो एनी सेट, कोई भी सेट आप लो वो फाइनाइट कहलाएगा यदि वह इम्पटी हो या उसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इक्विवेलेंट कर सकते, ठीक है। अब इक्विवेलेंट थोड़ा सा आपको बताऊंगा, कल मैंने पढ़ाया भी था, आज एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे कि इक्विवेलेंट का सेंस क्या है। मान लीजिए कोई सेट यद है, हमें दिखाना है कि वो यन के इक्विवेलेंट है कि नहीं। यन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एस कोई सेट है ही सेट, और ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम करना क्या चाहते हैं, कैसे अपना काम बनाए, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें एक मैपिंग परिभाषित करनी पड़ेगी एस से यन, ठीक है, जो वन वन हो और साथ ही साथ क्या हो हमारे को। We define a mapping, ठीक है, between S to N। अब वो मैपिंग कैसे बिहेवियर करती है, क्या करती है, डजंट मैटर। मतलब कहने का ये है कि अगर मुझे हर एक नेचुरल नंबर के लिए इस सेट में एलिमेंट मिल जाए तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, इसके इक्विवेलेंट। क्लियर? देखो भाई ये तो मेरा हो गया, मत कर दूँ बस, मैं तो कल बनाने से जब सवाल रखा है इसको भी पीछे, अभी आज खाली डेफिनेशन है, आज मजेदार नहीं है, इसको रहने दो, आज ज़्यादा मजेदार